सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। भीमसेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरआर पांड्यन ने मुंबई नवी मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार को चेतावनी दे दी है। पांड्यन का कहना है कोर्ट की डेडलाइन से चलाएं बार, नहीं तो इस बार भीमसेना भीम आर्मी कुछ ऐसा कर गुजरेगा जिससे बार मालिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकेगा। पुलिस और प्रशासन ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दे जिससे कानून की अवहेलना हो। वही 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक भीमसेना भीम आर्मी अपने अंदाज में मुहिम शुरू कर रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस विभाग को दे दी गई है। आपने देखा होगा पिछले बार अपन ने बड़े अच्छे लेवल पे मुद्दा उठाया था, जो सिस्टम भी इसमें अपने मतलब घबरा रही थी, पुलिस व्यवस्था भी इसमें मतलब अपने घबरा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि पुलिस और ये बार का जो नेक्सेस है वो इतना मजबूत है और इतने अरबों रुपए का इसमें कारोबार होता है इसके अंदर, और बहुत बड़ा जो रकम है वो जो पुलिस व्यवस्था या जो मैनेजमेंट है जो उनको जाता है, मतलब हफ्ते के नाम पे जाता है, तो कहीं ना कहीं रुक जाता। तो इसकी वजह से उसका उन्होंने पुलिस व्यवस्था ने मतलब जो पुलिस नेक्सस और बार का नेक्सस का मैं शिकार हूँ। आपने देखा कि मुझे 8 महीना मुझे डाला अंदर झूठे केस में, जो केस का मतलब कि जो मतलब ये समाज ट्रस्ट से जुड़ा था उसमें उन्होंने झूठा कुछ कंप्लेंट जमा किए, जो कंप्लेंट का मतलब रूल के हिसाब से मतलब उनका मतलब कि ना लेना था ना देना था, ये सब हमने कोर्ट के सामने दिखाया। पहला इन्होंने हमको बेल होने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से कैसे कर दिया। उस पीरियड में क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट वो पिटीशन को मतलब हमको ऐसा हुआ कि मैं पिटिशनर जा नहीं पाया, तो उसको जज ने उसको प्रोलॉन्ग करके बाजू में कर दिया। और उसका उनको फ़ायदा मिला कि उनका जो अप्रैल में जो रिन्यूअल होता था रिन्यूअल हो गया और उन लोग फिर से काम पे लग गए। और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को इतना आर्थिक इतना नुकसान पहुँचाया कि मतलब मैं खड़ा नहीं हो सकूँ। फिर भी देखो आप लोगों का थोड़ा साथ है और ये जो लड़ाई हम फिर से लड़ेंगे और लड़ाई चालू रखेंगे। और इस बार वापस जैसे गए हमने दिसंबर में हमने जो मुद्दा उठाया था डांस बार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चलना चाहिए, तो ये लड़ाई फिर से जारी रखते हैं। और अभी पूरी ताकत से इस बार मैं पूरे कार्यकर्ता अपने पूरे महाराष्ट्र के जो तमाम कार्यकर्ता उस सबको इन्वॉल्व किया हूँ और दिसंबर के लिए खास करके मुंबई सबको बुलाया हूँ कि 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक जो मतलब ये जो न्यू ईयर के नाम पे 31 के नाम पे जो बहुत बड़ा मतलब जो पैसे का ब्लैक पैसे का उलाढ़ाल होता है, जो पैसे फेंके जाते हैं और नशा पानी का ही काम होता है और जो लड़कियों का शोषण होता है, इसको रोकने के लिए इसको अंकुश लगाने के लिए हमने हमारी जो टीम है भीमसेना की महिला टीम है और जो कार्यकर्ता है उनको सबको हमने पूरे मुंबई पनवेल और ये जो इलाके सब बांट के दिए कि यहाँ पर अगर ये सब काम होता रहेगा तो उसमें अंदर घुस के उस चीज़ को रोकने की कोशिश करें। कायदा सुरक्षा का जो प्रश्न होगा उसकी जवाबदारी पूरी पुलिस व्यवस्था की रहेगी। सर जिस समय आपने जंग छेड़ी थी पिछले साल और जेल भी गए, क्या जेल जाने के बाद आपके मनोबल आपकी राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कम हुआ या दोबारा लड़ाई में उससे दुगने उत्साह के साथ लड़ी? देखो जब ये जो घटना घटी जो नेक्सस का शिकार हुआ तो ठीक है लोगों का मनोबल मतलब थोड़ा लोगों को दिल में चोट पहुँची तकलीफ पहुँची, हमने बहुत चीज़ झेला, हमारी फैमिली ने झेला, हमारे कार्यकर्ताओं ने झेला, लेकिन इससे हमारा मनोबल ध्वस्त नहीं हुआ और हम पूरी ताकत से और हमको समझ में आया कि अभी ये लोग किस तरह का हल्ला कर सकते हैं हमको, तो उससे उस चीज़ के लिए अभी मैंने जितने भी मेरे बिजनेस थे सब चीज़ सब में रिज़ाइन कर दिया हूँ या कोई चीज़ में मैं हूँ नहीं। अब मैं फ्रीली हूँ मतलब एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी भीमसेनी हूँ, तभी इसको जो अंकुश लगाने का मैं पूरी ताकत से और पूरे उत्साह से करूँगा। आंदोलन की जो आपने बात किया अनोखा आंदोलन जो 24 तारीख से शुरू करें, आपने बोला कि आपके कार्यकर्ता रहेंगे, तो क्या स्वरूप होगा, किस तरह और किस तरह वो उस पर नजर रखेंगे आप लोग? हम लोग स्ट्रिंग जब हमारे लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारे स्ट्रिंग करके हमने गवर्नमेंट को भेजा था, आपने देखा लास्ट टाइम उसमें कुछ होटल सस्पेंड हुए थे, लेकिन आपके हम पूरी ताकत से और मतलब स्ट्रिंग करेंगे, हो सकता है तो फेसबुक लाइव करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि अंदर को क्या चल रहा है। उस तरह के हमारे कुछ कार्यकर्ता है, कुछ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो मतलब स्ट्रिंग में मास्टर है, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स है जो मतलब ये सब स्ट्रिंग में माहिर है करने के लिए, ये सबको हमने मैदान में उतारा है और ये जैसा भी मतलब मौका मिलेगा वो सबसे स्ट्रिंग करके लोगों तक डायरेक्ट दिखाएंगे। और प्लस अगर कहीं ना कहीं हम पे हल्ला होता है तो उसका जवाब हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन क्या इसके पहले आप पुलिस को एक बार निवेदन देंगे, आपको लेटर देंगे? मैंने पुलिस को देखो निवेदन दिया है, नई मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया है, जड़ाईगढ़ पुलिस कमिश्नर को दिया है, थाना ग्रामीण थाना शहर को दिया है, पुणे को दिया है और रायगढ़ को भी दिया है।
और जितने भी मतलब जो जिले जहाँ पर बार चालू है, बार के नाम पर डिस्को बार जो नया आया पब जहाँ पर मतलब वेश्यावती खुलेआम चलती है, वो सबके लिए मतलब मैंने मतलब कि जो भी लेटर जो पूरा बाकायदा 9 पेज का लेटर है, मैंने उनको पूरा विस्तार में बताया है कि क्या क्या मतलब होता है करके विस्तार में, और साथ में कुछ एविडेंस भी लगाए हैं तो उनको मैंने दिया है। तब उनका प्रशासन का काम है उस पर अंकुश लगाए, और ये जो चीज़ होने वाली है 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का उस पर अंकुश लगाए। सर बारों के अंदर किस तरह का आरोप है, क्या होता है, क्या है? देखो बारों में एक्चुअली आप देखने जाओगे, बार भी 2 टाइप के, ऑर्केस्ट्रा बार है जो डांस बार को मतलब डांस बार जो बंद हो चुके हैं, लेकिन ऑर्केस्ट्रा बार के अंदर में लोग जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करते। और अभी नया ट्रेंड आया है डिस्को बार, जहाँ पर उसको कोई लाइसेंस नहीं होता, पर वहाँ पर खुलेआम मतलब वेश्यावधि करते हैं, लड़की को जाकर डील करते हैं, लड़की फिर उसका जो एंट्री फीस कुछ भरता है, फिर लड़की मतलब अभी पहले कहते चकले होते थे, अभी चकले अभी डिस्को बार की तरह हो गए, अब जो चकले का काम है डिस्को बार करते हैं। इनको चलाने वाले जो लोग हैं, अभी पिछले दिनों में कई लोगों को पर्दाफाश भी हुआ, पकड़े भी गए, जेल भेजे गए, उसको लेकर काफ़ी तेजी भी आई, तो क्या मानते हैं कि राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी का ये आंदोलन का कहीं ना कहीं असर देखने मिला है बार मालिक का? देखो बार मालिकों का और पुलिस का नेक्सस बहुत स्ट्रांग है, पुलिस जो भी एक्शन ले रही है ना ये उन पर ले रही है जो हफ्ता बराबर पहुँचा नहीं रहे, मेरा मतलब साफ आरोप है, और जो हफ्ता बराबर दे रहे हैं उनके बार मजे से चल रहे हैं। आप जाओगे तो वाशी में नाइट एंगल देखो, सोना बार देखो, ये सब खुलेआम चल रहे, धड़ल्ले से चल रहे, कोई रोक टोक नहीं, दुनिया बंद हो जाए पर वो बार बंद नहीं हो सकते, क्योंकि उनका बराबर हफ्ता पहुँचता है और जरूर से ज़्यादा पहुँचता है, और जरूर से ज़्यादा उनका काम है उन लोग करते हैं। तो ऐसे सब होटल्स है जिसका पैसा हफ्ता बराबर पहुँचता है उसको बराबर करते, जो हफ्ता नहीं देता तो उनका एजेंट होता है वो बताता है साहब ये हफ्ता बराबर दे नहीं रहा, तो उनके ऊपर तुरंत रेड होती है ऐसा, और रेड होकर उनको घुटने पर बिठाया जाता है कि आप पैसा दो ऐसा। सर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों को बढ़ावा किसकी वजह से मिलता है? देखो ये सब जो नेक्सस है ना ये सिर्फ पैसे के लिए होता है, ठीक है, मेन इसमें पैसा है, और जो ब्लैक पैसा जो चलता है ऊपर से जो पुलिस व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी अलग जो जैसे कि उसमें एसएस ब्रांच भी आता है, पुलिस आता है, फिर वो जो महसूल विभाग आता है, ये सबको ना हफ्ता मतलब कि उधर होस्टल डॉक्टर आप देखोगे ना तो फॉरेन की जो दारू है वो मतलब डुप्लीकेट दारू है ये सब तो चलता है, तो बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, तो मेन ये सब पैसे के लिए होता है, बाकी और कुछ नहीं। सर FDA भी जो दिसंबर से लेकर 31 देखो अभी डुप्लीकेट माल है ये नहीं माल है उसको जो सब स्टैंडर्ड करने का काम ये जो डिपार्टमेंट उनका है, हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलेगी तो पक्का कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमको पुलिस व्यवस्था से बिल्कुल कोऑपरेशन मिलता नहीं है। पिछले बार भी हमने देखा था 10 जो लगाते थे तो उन लोग क्या करते थे, हम लोग का नंबर वो पुलिस बार वाले को बता देते थे कि इसका इस नंबर से फ़ोन आ रहा है, आप देखो अंदर बैठा हुआ है, तो उधर हमारे पिछले हमारे 2-3 कार्यकर्ता को भी उन्होंने बहुत मारा, लेकिन पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस ने कंप्लेंट भी नहीं लिया ऐसा है, तो पिछले बार का ही एक्शन होता, इस बार उनको उम्मीद है ऐसा, लेकिन इस बार हम लोग इस तरह का एक्शन का जवाब हम खुद दे देंगे। सर पिछली बार जब आपने कदम उठाया था और संघर्ष किया था तो उस समय सरकार थी उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी, और वर्तमान में जब आप दोबारा एकदम इसी पैटर्न को लेकर जा रहे हैं तो अब सरकार है शिंदे और फडणवीस जी की, तो क्या समझते हैं कि इन दोनों में सरकारों में क्या फर्क रहेगा कार्यप्रणाली को लेकर, और आपकी बात कहाँ तक चली? देखो जहाँ तक आपने सुना होगा जो शिंदे सरकार है, शिंदे साहब जब खुद कार्यकर्ता थे तो उन्होंने मतलब 11-12 बार तोड़े हैं और अपने पे केसेस लिए, तो इस बार वो मुख्यमंत्री है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो मुख्यमंत्री बन गए तो उनको अभी किसने रोका, वो जो बोलेंगे दिन तो दिन बोले रात तो रात, तो फिर वो अभी उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है बियर बार, क्यों नहीं मराठी मानुष की इज्जत दिखाई दे रही है ना, मराठी जो मतलब जो चल रहा है मराठी मानुष का पैसा जो उड़ल जा रहा हो रहा है, और गलत जो तरीका जो पूरा मतलब पूरे कुछ कुछ जिले को तो उन्होंने चकला बना दिया है, तो अभी जो शिंदे सरकार कहाँ सो रही है, क्यों नहीं रही है, क्योंकि उनको मालूम है अभी इनसे बहुत बड़ा रेवेन्यू जो उनको आ रहा है, तो जब पैसे का खेल है, जब पैसा मिल रहा है इसके लिए वो भी चुप है, उनको भी अपना जो भूतकाल नज़र नहीं आ रहा है, भूतकाल के बारे में सोच नहीं रही है, भूतकाल में उन्होंने इसके लिए केसेस लिए बाला साहब के टाइम में, इन्होंने अपने केसेस लिए, बाला साहब भी नहीं रहे और उनका जो विचार करने का तरीका, जो उनके थाना जो जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर तो आजू बाजू में लाइन से पूरे बाहर है बहुत सारे जो धड़ल्ले से रात भर चलते हैं, और मुझे तो लगता है उनका उनका आशीर्वाद भी हो सकता है उनके साथ।
भीम सेना, भीम आर्मी, इन सारी चीजों को जो मुहिम लेकर चली, उनका मकसद क्या है, किस तरीके की चीजें चाहते हैं? हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर और नई मुंबई जो छोटे छोटे जिले हैं, ये जो वेश्यावृत्ति पूरी तरह से खत्म हो, क्योंकि इसकी वेश्यावृत्ति की वजह से छोटी छोटी लड़कियां, दलित पीड़ित जो लड़कियां हैं, जो छोटी बहुत गरीब घर से होती है, आपने देखा होगा मतलब कि एमपी में शिवपुरी जैसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ बिकती है 15,000, 20,000, 30,000, गरीब माँ बाप अपनी लड़कियाँ बेचते हैं, उनको कुछ माफिया उठाते हैं, उनको फिर खिलाते पिलाते, कुछ इंजेक्शन देते जिससे वो लड़कियाँ बड़ी हो जाती है, उस तरह का जो लड़कियों पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो उनका छड़ होता है गरीब लोग का, तो ये मुझे उसको रोकना है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अच्छा गाइडलाइंस दिया है, मैं चाहता हूँ जितने भी बार है चला है, हमको देश को सरकार को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया उस गाइडलाइंस पे, उस मापदंड में ही चले। मतलब आपका कहना है कि जो मापदंड दिया गया है कोर्ट के द्वारा उस पर ही चलना चाहिए, उसका विरोध नहीं है? नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं है, जो मापदंड दिया है वो उचित दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है चाहे जो लड़कियाँ हैं, जो पहले के जो बाल बाला है, जो पहले के, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि उनको मतलब रिहैबिलिटेट करे, उनको पेंशन चालू करे या रिहैबिलिटेट करे, वो सब कुछ भी काम नहीं हुआ, बल्कि उनको जो ऑर्केस्ट्रा बार जहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस होगा, लड़कियाँ गाना गाएगी, इंस्ट्रूमेंट बजेगा, जो लाइव परफॉर्मेंस होगा वो भी 11:30 तक का कुछ टाइम है और 1:30 बजे तक खाने पीने का टाइम है, वो परमिट रूम अलग होगा, बहुत सारे नियम, अच्छे नियम दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस सबका मतलब महाराष्ट्र में तो उसका पालन हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, और वो जो जूना जो डांस बार था ना, वही लेवल से डांस बार का ही काम चल रहा है। सर, जिस समय आप आंदोलन करेंगे तो ये माना जाए कि आंदोलन जो राष्ट्रीय वीर सेना पार्टी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में कर रही है, और ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है पुलिस, तो क्या राष्ट्रीय वीर सेना पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उन पर आंदोलन उठाएगी कदम? देखो, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हमने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारा कंटेम्प पिटीशन चालू है, अभी उसका डेट है 7 जनवरी का डेट है, 7 जनवरी का डेट है, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प पिटीशन डाला, और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, मुंबई पुलिस या जो भी जितने भी जिले की पुलिस है फॉलो नहीं कर रही है, सबको पता है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी जो नए कमिश्नर नई मुंबई के आए हैं और जितने भी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है वो 685 कुछ नंबर है कुछ, तो मैं कहता हूँ उनको चाहिए तो मैंने उनको ऑलरेडी लेटर में दिया है, वो ऑर्डर कॉपी निकाले, ऑनलाइन मिलता है, उस पर जो गाइडलाइंस दिए उस पर चलाने की कोशिश करें, अगर वो चलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो चलाने नहीं मतलब जो उनको तैयारी करनी चाहिए नहीं करेंगे तो हम लोग उनको करने मजबूर कर देंगे। ऐसा नई मुंबई के नए कमिश्नर से उम्मीद है कि आपकी बात देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं जितने भी कमिश्नर्स हैं, नई मुंबई के जितने भी कमिश्नर्स हैं, उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि मुंबई को और जो जिले को चकला बनाने से रोके, जो गलत काम हो रहा है, तो औरतों पे छल हो रहा है, ये सब हो रहा है, उनको रोके, जो पैसे की उलाढ़ाल हो रही है, ब्लैक मनी का ये हो रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है, नकली शराब का कारोबार हो रहा है, उन सब पे अंकुश लगाए, और ये पर प्रांतीय लोग, कर्नाटक वाले लोग हैं, कुछ कर्नाटक के विशिष्ट जाति के लोग हैं, वो शेट्टी, सालियान, पुजारी, ये सब जाते, ये सब ये लोगों को मतलब इन्होंने मतलब कि मुंबई को पूरी तरह से मतलब चकला बनाने के चक्कर में, तो चकला बन को अंकुश लगाने का हमारा है और हम करेंगे, और आप पुलिस से भी उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ को अंकुश लगाए। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।